ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भेल भोपाल की नई भर्ती के बारे में, यानी कि एकदम ताज़ा भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अभी अभी अनाउंस हुई है। तो चलिए आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूँ। नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BHEL भी बोलते हैं। पोस्ट नेम ट्रेड अप्रेंटिस की है, जिनकी जानकारी मैं आपको एक एक करके आगे देने वाला हूँ। नंबर ऑफ पोस्ट 573 है, यानी कि इसके अंदर कुल 573 पद निकाले गए हैं। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप इसमें ऑनलाइन मोड के अलावा किसी और माध्यम से आवेदन नहीं कर सकते। जॉब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, ये भर्ती मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। जॉब लोकेशन भोपाल, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग भेल भोपाल के अंदर होगी। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 7 जनवरी 2019 है। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 31 जनवरी 2019 है, यानी कि 7 जनवरी 2019 से लेकर 31 जनवरी 2019 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट www.bhelbpl.co.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। अब मैं आपको उसकी वैकेंसी डिटेल के बारे में भी बता देता हूँ, यानी कि किस फील्ड में किस डिसिप्लिन के लिए कितने पद निकाले गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुल पद 573 है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 150 पद है, फिटर के लिए 150 पद है, मैकेनिस्ट कॉम्पोसाइट के लिए 60 पद है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 50 पद है, टर्नर के लिए 40 पद है, कंप्यूटर कोपा PA SAA के लिए 60 पद है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के लिए 10 पद है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 6 पद है, मैकेनिस्ट मोटर व्हीकल के लिए 6 पद है, मैकेनिस्ट ग्रिंडर के लिए 10 पद है, मैसन के लिए 8 पद है, और पेंटर जनरल के लिए 5 पद है, कॉरपेंटर के लिए 8 पद है, प्लम्बर के लिए 10 पद है। तो चलिए अब मैं आपको इस भर्ती का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता देता हूँ। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपके पास 10वीं या 12वीं की योग्यता होनी चाहिए इसमें आवेदन करने के लिए, विद मैथ्स एंड साइंस एज सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास मैथ साइंस सब्जेक्ट भी होना चाहिए। आल्सो कंप्लीट 2 ईयर्स ऑफ ITI इन ए रेस्पेक्टिव ट्रेड, और आपके पास ITI की योग्यता भी होनी चाहिए कम से कम, जो कि 2 साल का हो। अब मैं आपको एज लिमिट के बारे में भी बता देता हूँ। मिनिमम एज लिमिट 14 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है, यानी कि जिन आवेदकों की उम्र 14 साल से लेकर 25 साल के बीच में है, वो लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज इलेक्शन, यानी कि एज में कितनी छूट दी गई है। फॉर SC ST, यानी कि SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट दी गई है, और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स को 3 साल की एज में छूट दी गई है। अब मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी बता देता हूं। आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट, इंटरव्यू और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, यानी कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। सीधे शब्दों में कहो तो ये एक सीधी भर्ती होगी, जिसे सीधी भर्ती बोलते हैं। सैलरी, दोस्तों सैलरी का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि आपको एक बहुत ही अच्छी सैलरी दी जाएगी, जो कि कम से कम 30-35 हज़ार रुपए से ऊपर होगी पर मंथ। अब मैं आपको एक बार फिर से इंपॉर्टेंट डेट्स याद दिला देता हूं। इसमें आवेदन शुरुआत होने की तिथि 7 जनवरी 2019 है, जो कि बहुत दिन हो गए जा चुकी है, और डेट ऑफ, यानी कि आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2019, जिसका आना अभी बाकी है, यानी कि आज 12 तारीख है, तो अभी आपके पास काफ़ी दिन बचे हैं इसमें आवेदन करने के लिए। अब मैं आपको इसमें आवेदन करने का तरीका भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि है www.bhelbpl.co.in। इसके बाद आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके उस पेज पर चले जाना है, जहां पर आपको अपना फॉर्म भरना है, और आपको अपने फॉर्म के अंदर सारी जानकारी भर देनी है जो कि वहाँ पर मांगी गई है। साथ ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देने हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर के साथ में। इसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर देनी है अगर मांगी गई है तो, लेकिन इसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं मांगी गई है, यानी कि आप इसमें मुफ्त में आवेदन कर सकते हो। इसके बाद आपको जो आपने डिटेल्स भरी है वो एक बार फिर से चेक कर लेनी है कि कहीं पर आपके द्वारा कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। अगर मिस्टेक हो गई है तो आपको उसको वहीं के वहीं क्लियर कर लेना है, और ये करने के बाद बस आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक फोटोकॉपी जरूर ले लें, जो कि आपके फ्यूचर में काम आएगी। और यदि आप अपना फॉर्म फोन से फिल कर रहे हो, तो आप जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाए तो आपको उस जगह से एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई ऑनलाइन लिंक
लिंक के बारे में जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों अगर आपको उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है या उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि सर कैसे हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और कैसे हम इसका अप्लाई ऑनलाइन लिंक ढूंढे, क्योंकि जो तरीका मैंने आपको बताया शायद कुछ लोग उस तरीके से भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन लिंक न ढूंढ पाए। तो इसलिए मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई ऑनलाइन लिंक का यूज करते हुए आप डायरेक्टली उस पेज पर चले जाओगे जहाँ पर आपको अपना फॉर्म भरना है और आप अपना फॉर्म बहुत ही आसानी से भर पाओगे। अब मैं आपको एक बार पहले इसका एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ वीडियो में भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप गलत जानकारी देते हो। तो मैं आपको बता दूँ ये इसकी जो अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि हिंदी भाषा में है और आप देख सकते हो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की तरफ से है। और जो मैंने आपको पोस्ट बताई है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, विद्युत कार्य मतलब सारी जानकारी यहाँ पर है, किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले गए हैं ये भी है और किस पोस्ट के लिए कौन सी योग्यता चाहिए और आप कोई एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं ये भी यहाँ पर दिया गया है और आपके ITI में कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए ये भी यहाँ पर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। तो आप ये मत बोलिए कि मैंने आपको गलत जानकारी दी है, और अगर आपको जो मैंने जानकारी दी है इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो इसके लिए भी आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझसे कोई जानकारी छूट जाती है वीडियो में बताए बिना। तो उसके लिए मैं आपको बोल देता हूं कि आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रीड कर ले, तो इसलिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रीड कर लेना चाहिए। और अगर आपको कोई यहां से भी कोई प्रॉब्लम आती है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी कोई डिटेल समझने में, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करता हूं कि आपको जल्द से जल्द जवाब दूं। दोस्तों अब मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर, क्योंकि अगर आपने शेयर किया तो दूसरे लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच पाएगी और वो भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। और लास्टली इस वीडियो को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बैल के आइकन को जरूर दबा दे, क्योंकि उसी से आपको जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा वो मिलती रहेगी।